हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है, अगर आप लौट के आ रहे हो थैंक यू आपके लाइक साइड पर सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, एक बहुत ही टॉक्सिक मैसेज निकल के आया है कि एक मैस्कुलिन ने मैरिड, ठीक है, जैसे मैरिड सिचुएशन, एक मैस्कुलिन ने एक कार्मिक फेमिनिन पर चीट किया, ठीक है, तो वो गुस्से में पलट के उस मैस्कुलिन को चीट की, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक से। बट इशू यहाँ पर ये है कि उनके बीच में एक बेबी है, ठीक है, जो अब दो हिस्सों में बट चुका है। अब ये कार्मिक फेमिनिन का कहना है कि ये कार्मिक मैस्कुलिन इस बेबी का फादर नहीं है, उसने जिसके साथ भी इस मैस्कुलिन को चीट किया था वो उसकी असली फादर है, और उसका असली फादर एक्चुअली इस कार्मिक फेमिनिन या बेबी का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। शी सो एंग्री इस मैस्कुलिन को लेकर के, वो सिंगल मदर होना चाहती है, बच्चे को लेकर के वो अलग हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहती है, ठीक है। नाउ एंजल्स अलाइक कि ये कार्मिक फेमिनिन इतनी स्टूपिड है कि वो अपने गुस्से में, ठीक है, अपने गुस्से में वो ये नहीं देख रही है कि ये डिवोर्स, ठीक है, एक्चुअली उसके लिए एक बहुत गलत डिसीजन प्रूफ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उसका एक लॉस भी इसमें इन्वॉल्व है। वो सिंगल मदर हो जाएगी पर उसे और उसके बच्चे से प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। नाउ जो कार्मिक मैस्कुलिन है यहाँ पर, ठीक है, जिसने पहले चीट किया था, ठीक है, जो अपने बीवी बच्चे को खोने वाला है, वो एक्चुअली इस बच्चे से बहुत प्यार करता है, ठीक है, और वो बीवी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। वो डेस्परेटली इस वक्त प्रेयर कर रहा है कि डीएनए जो रिज़ल्ट है वो यही निकल के आए कि वो बच्चा उसका ही हो, ताकि क्योंकि वो बच्चे से इतना अटैच्ड है कि वो बच्चे से अलग नहीं होना चाहता, वो एक्चुअली बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, और साथ में इस कार्मिक फेमिनिन का भी ऑफकोर्स वो ले ही लेगा, ठीक है, वो किसी को भी डिसोर्ड नहीं करना चाहता, वो ऑलरेडी गिल्टी है कि उसे फील होता है कि उसे चीट नहीं करना चाहिए था, ठीक है, एंड जो बड़ों के बीच में हुआ है वो बच्चे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। कार्मिक होने के बावजूद भी देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस कार्मिक मैस्कुलिन में मुझे इस एनर्जी में दिखा है, एंड आई वॉज डिस्कसिंग मेरे एंजल्स के साथ कि इसमें थोड़ी तो सेंसिबिलिटी है इसमें, ठीक है, बट ये कार्मिक फेमिनिन इतना गुस्से में है कि शी इज़ लाइक मैं अलग हो जाऊँगी, ठीक है, एंड अपने बच्चे के साथ। बट देन सवाल ये उठता है कि बच्चे का जो असली फादर है क्या वो इन दोनों को अपनाना चाहते हैं? द एंजल्स वर लाइक नो, ये इसका असली फादर उसे अपनाना भी नहीं चाहते, और जो उसे अपनाना चाहते हैं वो उसे ही मना कर रही है सेइंग कि नो आई डू नॉट वांट टू स्टे विथ यू, ठीक है। आई वाज लाइक गुस्सा अपनी जगह पर है, ठीक है, एंड एक दूसरे के साथ चीट करने के बाद, ठीक है, वो अपने मन में क्षमा तो धारण कर ही सकती है, उसने भी चीटिंग ही किया है, एटलीस्ट बेबी के लिए तो वो लाइक वाई शी नॉट सीइंग कि एंड ऑफ द डे वो अकेली पढ़ने वाली है, ठीक है ना। आई रियली वांटेड टू पुल अप सम कार्ड्स ऑन दिस कार्मिक फेमिनिन कि उनका उसका माइंडसेट इस वक्त क्या हो करके रखा है, एंड वी पुल अप सम मैसेजेस उसके ये कार्मिक मैस्कुलिन का कि उसका अब माइंडसेट क्या है, ठीक है। गिव मी सम कार्ड्स फॉर द कार्मिक फेमिनिन प्लीज। ओके, ये कार्मिक फेमिनिन को पैसे की बड़ा घमंड है, सो शी इज़ फाइनेंशियली वेल ऑफ, ठीक है, वो कह रही है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है और बच्चे का भी, बहुत ही सुपरफिशियल है, ठीक है, एंड शी सेइंग कि उसे लगता है कि ये कार्मिक मैस्कुलिन बिल्कुल भी उसके और उसके बेबी के लायक नहीं है, कि वो उसके बिना ही वो वेल ऑफ है,
ठीक है ना, ये इस कार्मिक फेमिनिन के दिमाग में चल रहा है। नाउ कार्मिक मैस्कुलिन का क्या सिचुएशन है? ओके, ये कार्मिक मैस्कुलिन का दिमाग इस वक्त एकदम चू हो करके है, क्योटिक, ठीक है। वो बिल्कुल भी इस फाउंडेशन को लूज नहीं करना चाहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे यहाँ वो करे भी तो करे क्या, वो अपने बीवी बच्चा दोनों को एक साथ खोने वाला है। गिव मी सम मोर कार्ड्स ऑन दिस कार्ड में पास कर प्लीज। या ये कार्मिक मैस्कुलिन इज एक्चुअली शोइंग अप एज द मजिशियन, ठीक है। ये मैनिफेस्टेड है ये कह रहा है कि इस कार्मिक फेमिनिन की जो प्रायोरिटीज है ना वो बिल्कुल भी जगह पे नहीं है। ये बिल्कुल भी प्यार रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज नहीं करती, इसे बस पैसे की घमंड है। और वो इस कार्मिक मैस्कुलिन को बस दिखा देना चाहती है कि वो अकेला बच्चे को पाल सकती है, कि वो अकेले चल सकती है। पर उसके इस बात को प्रूव करने के फिराक में ये बेबी अपने बच्चे अपने फादर से वंचित हो जाएगा। और यही बात ये कार्मिक मैस्कुलिन इस फेमिनिन को बोल के समझा नहीं पा रहा है, वो समझना ही नहीं चाहती। शी इज़ वेरी इमेच्योर, शी इज़ वेरी इमेच्योर। या इट्स नॉट दैट कि ये कार्मिक मैस्कुलिन है, इट्स नॉट दैट ये कार्मिक मैस्कुलिन बहुत मेच्योर है एंड स्टफ लाइक दैट। वो भी बहुत अपने आप में बहुत टॉक्सिक है, बट देन वो चीज़ों को लेट गो भी नहीं करना चाहता है। पर उसे कोई नई बिगनिंग भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो बिल्कुल फूट जाएगा अगर डीएनए रिपोर्ट ये कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं है तो, बिकॉज वो बेबी को नहीं खोना चाहता है किसी भी हाल में। वो बेबी को नहीं खोना चाहता है कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है हम बड़ों के बीच में, प्लीज़ इस फाउंडेशन को मत तोड़ो। दिस इज़ अ फाउंडेशन, दिस इज़ अ मैरिज, इस फाउंडेशन को प्लीज़ मत तोड़ो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम दोनों टॉक्सिक है, पर हम दोनों के टॉक्सिसिटी में बच्चा पिस जाएगा एंड दैट इज़ समथिंग आई डू नॉट वॉन्ट। मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अपने माँ या बाप दोनों में से किसी के भी एब्सेंस में बड़ा हो, ठीक है। ये चाइल्ड ग्रूमिंग हो जाएगा, हम कह रही ये बच्चा हार्डली 3 या 4 साल का है। ही वॉन्ट्स टू टेक दैट कप, ही वॉन्ट्स टू टेक दैट रिस्क। ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस सिचुएशन से ऊपर उठ करके एक्चुअली इस रिलेशनशिप को वो वर्कआउट करना चाहता है, ठीक है। ही इज़ टेकिंग दैट कप, ही इज़ सेइंग कि आई वॉन्ट टू पोर इन टू इट, ठीक है। ओके, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा? वॉट इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन, वॉट इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन। टावर, रियलिटी चेक, कम्युनिकेशन। ओके, वी हैव अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी है जो इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेगी, इन दोनों के दिमाग में थोड़ा सा समझ डालने की कोशिश करेगी और डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। देयर इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, प्रॉबली एक असेंडेंट मास्टर है या एक इवॉल्व सोल है। ये कोई जज हो सकते हैं, कोई एडवोकेट हो सकते हैं, कोई पुलिस वाली हो सकती है, आई एम हियरिंग, ठीक है। या घर का कोई सीनियर, कोई फ्रेंड हो सकता है जो जो ये एम्प्रेस एनर्जी में है, ठीक है। शी इज़ अ वेरी इवॉल्व पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, और वो इस कार्मिक फेमिनिन में थोड़ा सा उसके दिमाग की बत्ती जलाने में उसको हेल्प करेगी, कम्युनिकेशन देगी, सेइंग कि डोंट बी स्टूपिड, इट्स नॉट अबाउट द मनी। ये बच्चा डिजर्व करता है अपने पेरेंट्स के साथ ग्रो करना, ठीक है ना। कैन यू जस्ट गो बियॉन्ड दिस। तो क्या ये कार्मिक फेमिनिन अपना डिसीशन बदलेगी? ये कार्मिक फेमिनिन स्टूपिड क्यों है? देर आर सीक्रेट्स, इस कार्मिक फेमिनिन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये कार्मिक फेमिनिन ना एक पर्सन के साथ रहना इसे अच्छा नहीं लगता है। दिस इज लाइक
ये इतना रिवेंजफुल, इतना हेट्रेड एनर्जी है ना कि वो अपने खुद के टॉक्सिसिटी से ऊपर नहीं उठ पा रही थी, और वो अभी भी बहुत सी चीज़ें छुपा रही है। इट्स लाइक वो इस कार्मिक मैस्कुलिन को नीचा दिखाने में वो इतना बिजी हो गई है, इतना फोकस्ड हो गई है कि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करने के लिए तैयार है। उसकी प्रायोरिटीज़ एकदम जगह पे नहीं है, एंड वो किसी को ब्लेम भी कर सकती है। ओके, टेल मी अबाउट दिस एम्प्रेस, मुझे इस एम्प्रेस के बारे में प्लीज बताओ, हु इज दिस एम्प्रेस? ओ वाह, लिसन, ये कार्मिक फेमिनिन बहुत गुस्से में इसलिए है क्योंकि ये कार्मिक मैस्कुलिन का जो अदर हाफ है, तो ये कार्मिक मैस्कुलिन कार्मिक फेमिनिन डायनामिक है ज़रूर, पर ये कार्मिक मैस्कुलिन एक्चुअली किसी की डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है ना? और वो अपने अदर हाफ, अपने ट्रू लव के साथ ही उसने चीट किया था इस फेमिनिन के ऊपर। और वो उसको लव ऑफर देना चाहता है, लाइक प्रॉब्ली दिया भी था, इसलिए उसने चीट भी करा। उस तो इस कार्मिक फेमिनिन का गुस्सा सिर्फ इस मैस्कुलिन के साथ नहीं, ये जेलेस एनर्जी भी है जो इस फेमिनिन की तरफ है, और ये फेमिनिन यहाँ पर सैक्रिफाइस कर, ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर इस कार्मिक फेमिनिन के दिमाग में थोड़ा सा सद्बुद्धि डालेगी, सेइंग कि हम बड़ों की वजह से बच्चे को सफर मत करो, हम अपना प्यार सैक्रिफाइस कर देंगे, ठीक है? इवन इफ वी आर इन लव विथ ईच अदर और उसे उसे बेबी का जिम्मेदारी लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है? बट आई एम हियरिंग कि ये जो डीएनए टेस्ट निकलेगा ये शो करेगा कि ये बच्चा एक्चुअली इस कार्मिक मैस्कुलिन का नहीं है, तो ये मैस्कुलिन का जो ये टावर मोमेंट हिट करेगा ना, इट्स बिकॉज ये शादी भी टूटेगी एंड वो इस बच्चे से भी अलग हो जाएगा, लाइक विथ हैवी हार्ट। वो बेबी से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता है, प्रॉब्ली ये कार्मिक फैमिली अपने बच्चे को यही बोल के बड़ा करेगी कि यू नो तुम्हारा फादर तुमसे और तुम्हारी मम्मी से प्यार नहीं करते, उसे तो ये डिवाइन फेमिनिन चाहिए था इसलिए वो हमसे दूर चले गए, ठीक है? बट सच ये नहीं है, ये मैस्कुलिन, ये कार्मिक मैस्कुलिन ये जानते हुए भी कि ये कार्मिक फेमिनिन है और इस डिवाइन फेमिनिन के लाइक क्लोज भी नहीं है, फिर भी वो इस कार्मिक फेमिनिन और इस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है, पर ये कार्मिक फेमिनिन ही अपने स्टूपिडिटी, अपने टॉक्सिसिटी में, अपने गुस्से, अपने रिवेंज में वो इस मैस्कुलिन को बर्बाद करने की फिराक में वो उसे इस बच्चे से दूर कर देगी। एंड ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अच्छा सिचुएशन नहीं होने वाला है। वी हैव द सन एंड वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वो यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करेंगे। इट्स लाइक ये कार्मिक मैस्कुलिन विल बी लाइक, लेट्स जस्ट से डिवाइन मैस्कुलिन, ये डिवाइन मैस्कुलिन विल बी लाइक ठीक है, अगर ये मेरा बच्चा नहीं भी है ठीक है, फिर भी मैं उसे देखना चाहूँगा, लाइक आई वॉन्ट टू मीट माई बेबी, मैं उसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहूँगी, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे बिना बड़ा हो, अपने बाप के बिना बड़ा हो। तो ये कार्मिक फेमिनिन जिसके साथ चीट की थी, क्या वो आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा, इस बेबी को और इस कार्मिक फेमिनिन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ये कार्मिक फेमिनिन जिसके साथ चीट की थी वो बंदा इस कार्मिक फेमिनिन को एक्सेप्ट तक नहीं करना चाहता है, और ये डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली अपने ट्रू लव को सैक्रिफाइस करके इन दोनों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, पर वो बस इन्हें सजा देना चाहती है। तो ये सेपरेशन तो होगा, ये कार्मिक मैस्कुलिन और सॉरी ये कार्मिक फेमिनिन, दैट मीन्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन उल्टा है, ठीक है? टेक इट द वे इट इज। सो बेसिकली कोई है यहाँ पर जो कन्फ्यूज हो रहा है, जैसे एक डिवाइन मास्कुलिन है जो कार्मिक फेमिनिन के साथ शादी किया है, बच्चा उसका नहीं है,
ठीक है, वो अपनी डिवाइन फैमिली के पास लौट के जाएगा, बिकॉज ही कार्मिक फेमिनिन विद द डेविल रिवर्स्ड उसे इस बंधन से मुक्त कर देगी, और वो इस बेबी को भी अपने साथ लेकर के जा रही है। वी हैव कैप्रिकॉर्न, वी हैव लीब्रा, वी हैव डबल कैप्रिकॉर्न एंड वी हैव लियो, वी हैव सैजिटेरियस। Can we get one guidance? ये कार्मिक फेमिनिन की लाइफ बदल जाएगी इसके बाद, इन दोनों की लाइफ बदलेगी। ये कार्मिक ये डिवाइन मास्कुलिन लाइफ में आगे बढ़ते भी कहीं ना कहीं उसके मन में अपने बच्चे के लिए एक अफसोस होगा, काफ़ी वक्त तक उसे अफसोस होने वाला है फिर अपने बच्चे से अलग होंगे। बिकॉज प्रॉब्ली ये बच्चा सी, अगर वो बच्चा 3-4 साल का ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वो 3-4 सालों से इस बच्चे की देखभाल कर रहा है, ठीक है ना। 3-4 साल से, 3-4 साल बहुत होते हैं किसी बेबी के साथ अटैच होने के लिए। बट ये कार्मिक फेमिनिन प्रॉब्ली दूसरे देश में ही चली जाएगी, आई एम हियरिंग शी विल ट्रैवल आउट। यप, ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने फेमिनिन के पास लौटेगा विदाउट बेबी, विदाउट वाइफ। दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। ये बहुत ही टफ सिचुएशन है इस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। आई एम हियरिंग कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन के पास लौटने के बाद ही उसका भी बेबी होने वाला है। ओ वाव, जस्ट व्हेन आई से उनका बेबी होने वाला है, या सो वो कार्मिक फेमिनिन और कार्मिक बेबी से अलग होने के बाद डिवाइन फेमिनिन के साथ उसका एक बेबी होने वाला है। तो प्रॉब्ली न्यू बेबी कहीं ना कहीं उस खोए हुए बच्चे का घाव भरने में हेल्प करेगा। इट्स गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम हियरिंग ये कार्मिक फेमिनिन इस नए बेबी जो डिवाइन फेमिनिन से ये जो बेबी आएगा उसके ऊपर ये मैजिक थ्रो कर सकती है। वो जानबूझ के अपने बच्चे को डिवाइन फेमिनिन की बेबी के साथ वो कंपेयर करेगी और इन दोनों को लड़ाने की कोशिश करेगी। She is just gonna be a toxic bitch, yeah, with full intensity. She will just be a toxic bitch. And hearing कि ये जो divine feminine है इसकी pregnancy में कुछ issue है, या तो उनकी age बहुत हो गई है to the point like baby जन्म देने का time निकल चुका है, probably she is around 40 years old, तो baby conceive करना difficult है, पर फिर भी वो miraculously ठीक है चमत्कार की तरह वो बेबी कंसीव करने वाली है, या फिर इसका कोई कोई हेल्थ इशू था जिसकी वजह से यू नो डॉक्टर ने कह दिया होगा कि वो बेबी कंसीव नहीं कर सकती, बट मिराकुलसली वो बेबी को कंसीव करेगी। और ये सिचुएशन इस कार्मिक फेमिनिन के लिए एक धमाका लाने वाला है। लिसन, नाउ आई एम गेटिंग द पिक्चर कि ये कार्मिक फेमिनिन एक्चुअली इन इस डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को बच्चे को लेकर के क्यों सजा देना चाहती है। बिकॉज उसे पता है ये डिवाइन फेमिनिन कंसीव नहीं कर सकती, बेबी को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए वो इस बच्चे को लेकर के साइड हो जाना चाहती है, दूर चले जाना चाहती है, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन इस बच्चे से बहुत प्यार करता है। वो उसे सजा देना चाहती है, इस बच्चे से दूर होकर के उसको तड़पाना चाहती है, ठीक है। बट देन उनके अलग होने के बाद ही, उनके दूर हो जाने के बाद ही ये डिवाइन फेमिनिन प्रेग्नेंट हो करके शी विल गिव बर्थ टू प्रॉब्ली अ स्टार सीड और एन इंडिगो चाइल्ड, और ये इस कार्मिक का दिमाग ख़राब कर देगा और वो हाथ धो करके कहीं ना कहीं इस बच्चे के पीछे पड़ जाएगी, ताकि वो इस बच्चे को बच्चे के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके।
प्रॉब्ली ये बच्चे को गिराने की भी कोशिश करेगी थ्रू स्पेल वर्क एंड स्टाफ. बट देन ये बेबी जन्म लेगा विद दैट इंटेंसिटी कार्ड, दैट्स अ डिवाइन कार्ड, दैट्स अ कार्मा कार्ड. ठीक है, इट्स लाइक प्रॉब्ली ये डिवाइन फेमिनिन इस बात को लेकर के बहुत सफ़र की थी कि यार मैं एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती एंड अपने डिवाइन मैस्कुलिन से दूर हो गई थी यही सोच रही कि हम तो बेबी जन्म नहीं दे सकते. तो आप अगर किसी और से शादी करना चाहते हो, आई फील कि डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए ठीक से लड़ नहीं रही थी इवन व्हेन शी हैड अ लॉट ऑफ लव अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो बच्चे का सुख नहीं दे सकते अपने डिवाइन मैस्कुलिन को. और इसलिए उसने इस कार्मिक मैरिज को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है अगर तुम्हें उसे एक बेबी मिलता है ठीक है और तुम फादर बन सकते हो, तुम्हें कंप्लीशन मिल सकता है, देन प्लीज़ वो है. ठीक है ना, वो फाइट नहीं कर रही थी. बट देखो सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि ये कार्मिक फेमिनिन इस बच्चे को लेकर के यहाँ से अलग हो रही है एंड ये कार्मिक फेमिनिन के लिए ये एक मतलब एक धमाकेदार एक सरप्राइज सिचुएशन होगा जब डॉक्टर्स इसे कहेंगे. एक तरफ जहाँ पर डीएनए टेस्ट कहेगा कि ये कार्मिक बच्चा इस डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं है, दूसरी तरफ आई एम हियरिंग एक साल के अंदर उन्हें ये पता चलेगा कि डिवाइन फेमिनिन प्रेग्नेंट है. तो यहाँ पर भरपाई भी कर दी जाएगी उसको एंड द बेबी इज गोना बी वेरी हेल्दी. इस बेबी की आई कलर डिफरेंट होगा, ब्लू ग्रीन ब्राउन कलर का होगा, वेरी डिफरेंट आई कलर होने वाला है. लाइक उनका जो भी एथनिसिटी है, पकड़ लो अगर इंडिया, हम इंडियंस का आई कलर ज़्यादातर क्या है, ब्लैक. ठीक है, डिफरेंट क्या हो जाता है, ब्राउन ब्राउन ब्लू. ठीक है, तो उसकी आई कलर कुछ ऐसे ही, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लू, ब्लू कलर की आईज होगी बच्चे का. उसकी आईज बहुत खूबसूरत होने वाली है इस बेबी का. मिराकुलस तरीके से ये बच्चा जन्म लेने वाला है. लाइक सारे डॉक्टर्स के कहने के बाद भी कि ये डिवाइन फेमिनिन कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि उसकी उम्र हो गई है या उसका यू नो वो जन्म नहीं दे सकती, बट फिर भी ये बच्चा जन्म देगी. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर, बाय बाय.